हेलो, दिस इज मेघा धाड़े एंड यू आर वॉचिंग टेली रिपोर्टर। दीपक ने कुछ गंदी बातें उसने की थी, मैं क्यों कहूंगी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जसलीन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। मैं अकेली थी पूरे घर में जिसने जसलीन को सपोर्ट किया था। बिग बॉस मराठी में इनको दर्शकों से इतना प्यार मिला कि ये बिग बॉस मराठी की बनी पहली विनर। वहीं इस हफ्ते ये बिग बॉस 12 के घर से हो गई बेघर, लेकिन किस तरह से मेघा की जर्नी रही, चलिए जानते हैं आज उन्हीं की जुबानी। तो एक चीज जान चाहूंगी कि एक हमने कोट पढ़ी है एक सोर्सेस के थ्रू कि आपने उन्हें गोल्ड डिगर कहा है, मतलब ऐसा कोट आया है। तो क्या ये आपका कोट है या फिर ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है? ऑफ कोर्स ये मैं क्यों कहूंगी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और जब हम लोग बात कर रहे थे, हम रोहित के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि तुम लोग जो मतलब रोहित और दीपक जो चीज़ें बिना गाली के कह जाते हैं, उस वो जो चीज़ें कहते हैं एक्सप्लेन करके, उसकी एक गाली भी बनती है। तो जैसे दीपक ने जसलीन के बारे में बहुत गलत चीज़ें कही थी, और मैं अकेली थी पूरे घर में जिसने जसलीन को सपोर्ट किया था और उसके लिए स्टैंड लिया था। दैट वॉज दीपक ने कहा था कि जसलीन पैसों के लिए अनूप जी के साथ है, या ऐसी कुछ गंदी बातें उसने की थी। तो मैं रोहित को शांति से समझा रही थी कि तुम लोग क्या करते हो ना, गाली दिए बिना उस चीज़ को एक्सप्लेन करके बोल के उस इंसान की बेइज्जती करते हो। इट्स नॉट दैट कि गाली देना ही इंसल्ट होता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करके बोलना भी गाली के बराबर ही इंसल्ट होता है। अगर तुम कह रहे हो कि अनूप जी के साथ वो इस वजह से है, तो इसकी गाली ये होती कि शी इज़ अ गोल्ड डिगर। तो तुमने गोल्ड डिगर नहीं कहा, लेकिन तुमने ये चीज़ कही कि पैसों के लिए तुम ये हो वो हो, तो ये भी इक्वली एक गाली देने बराबर ही इंसल्ट है जो तुम लोग करते हो, तो ये मत करो। ये मैं रोहित को समझा रही थी। तो वहाँ जसलीन भी थी, और जसलीन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि यस, ये लोग बिना गाली दिए इतनी गंदी गंदी बातें बोल जाते हैं बड़े बड़े सेंटेंसेस में। तो या तो एक वर्ड में किसी की इंसल्ट हो सकती है विच इज़ गाली, या तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करो और बोलो बिना गाली के, तो भी वो उतना ही अपमानजनक है।